हाँ दोस्तों, कैसे चल रही है तुम लोगों की? उम्मीद करता हूँ सही चल रही होगी, मगर मेरी तो ख़राब चल रही है क्योंकि मेरे बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं। अब बोर्ड एग्ज़ाम ऐसी चीज़ का नाम है, ऐसी बवासीर का नाम है जिससे हर कोई डरता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक, बड़ों से लेकर बुजुर्गों तक, हर एक को उसको सुनकर काम पर टांगने लग जाती है। मुझे पता है तुमको बोर्ड का नाम पसंद नहीं है, पर क्या करिए, हुकूमत साली को समझ ये नहीं आता। अब अगर तुम गूगल से बोर्ड का मतलब पूछोगे तो वो भी तुम्हें बोर्ड का मतलब नहीं बताएगा। बोर्ड को भी वो अपने एल पर नहीं गिनता साला। अब बोर्ड का पेपर देने जब तुम हाल में बैठते हो तो तुम्हें वहाँ ऐसे केक मिलते हैं जो तुम्हारा सारा पेपर देख लेते हैं, और जब तुम्हारी बारी आती है तो ऐसा रिएक्ट करते हैं कि भाई तुम हाल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऐसे लोगों को देखकर बड़ा गुस्सा आता है, और जब तुम मुड़ मुड़ कर इसकी तरफ देख रही होते हो तो तुम्हारी शिकायत लगा देते हैं। अब बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए जब तुम हाल में बैठते हो तो तुम्हारी अजीब ही कैफियत होती है, तुम्हारी हर तरह से फट रही होती है, और तुम बस एक ही लफ्ज़ बोलते हो रहे हो कि बस आज के पेपर अच्छा हो जाए, अगले पेपर में याद करके आऊँगा। पर फिर साला तुम्हारा वैसा ही हाल होता है। अब भाई जब सुपरिटेंडेंट आपको शीटें बांटने आता है तो उस शीट के ऊपर अपना बायोडाटा इतनी डिटेल में ऐसे लिखना होता है जैसे बोर्ड वाले अपनी बैंक का रिश्ता देना हो। अब मुझे नहीं पता कि ये मेरी वीडियो बोर्ड की तरफ से रिमूव कर दी जाए, इस पर स्ट्राइक आ जाए, पर जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। अच्छा, जब तुम्हारे पास मड़ोसी का पेपर आ जाए तो सारा बबल फिल करने वाला प्रोपेगेंडा उंगलियों की बैंड बजा देता है, और बैंड की माँ बहन एक हो जाती है, लेकिन ये प्रोपेगेंडा खत्म ही नहीं होता। ऊपर से निगरान ने अपनी अलग ही बदमाशी शुरू की होती है। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सिफारिश डले तो तुम्हें अपना घर, अपनी जितनी भी जायदाद है सब कुछ बेच बाच कर सिफारिश डलवानी पड़ती है। अब अगर तुम अपनी गर्दन को टेढ़ी मेढ़ी कर 360 का एंगल लगा कर साथ वाले लड़के का पेपर देख लो तो निगरान तुम्हें ऐसी आंखें निकालेगा जैसे तुमने निगरान का व्हाट्सअप डाटा चेक कर लिया हो। अब किसी बच्चे को कोई ऐसी मोटिया मवाद निकल आए तो तुम्हें ऐसा अंडर प्रेशर किया जाता है, ऐसा ब्लैकमेल किया जाता है कि जैसे तुमसे पहले कभी किसी से बूटी निकली ना हो। वैसे असल में जो निगरान होते हैं ना, ये खुद साले चने भेजकर पास हुए होते हैं, तो हम पर ऐसे रोप डालते हैं जैसे PhD पास करके आए हैं। अब वैसे बोर्ड के पेपर में पास होना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये टीचर की तरफ से अंडर प्रेशर और ब्लैक मेलिंग जो आती है, इससे पक्का शक हो जाता है भाई पास नहीं होना। अब भाई मैं आपको एक सही मशवरा देने वाला हूँ। जब YouTube पर तुम गेस्ट पेपर शुरू करते हो सर्च करना तो तुम्हें बहुत से गेस्ट पेपर मिल जाते हैं, भाई ये 100% फेक होते हैं। मैंने बहुत आजमाया है पर इनमें से कोई भी काम नहीं आता। अगर तुम चाहते हो तुम गेस्ट पेपर मिले तो तुम पास पेपर उठाओ, वहाँ से याद करो। ये व्यूज़ के नाम से व्यूज़ ठोकी जा रहे हैं, पर इनका प्रोपेगेंडा खत्म नहीं होता। अंदर से इन्होंने वैसे तुम्हारा टाइम ही वेस्ट करना होता है। बाकी अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। बाकी अगर तुम्हें बोर्ड एग्जाम से एलर्जी है तो कमेंट में बोर्ड डिस्ट्रॉय लिख दो। अगर तुम्हारी वीडियो एग्जाम तक चले जाए तो भाई काम खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।